डॉक्टर जीतू मिश्रा, आप सबका आज संडे टॉक्स में स्वागत है। मैं आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं कि हाउ टू फास्टन अप योर रिकवरी। आप किस तरह से अपनी एक्सरसाइज की, जो पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस होती है पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज या हैवी वर्कआउट के बाद में, जो आपकी बॉडी लिथार्जिक होने लग जाती है, मसल टाइट होने लग जाती है, आप रिकवर नहीं कर पाते और नेक्स्ट वीक आप उतनी एफिशिएंसी से अपनी एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा पाते। ये सारी वीडियो एथलीट्स और जहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है और कहां पे एफर्ट आपको कम करने की जरूरत है। तो रिकवरी होती क्या है? रिकवरी का मतलब होता है जब आपने एक्सरसाइज की है, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हुआ है, जिसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं बॉडी में, तो वो किस तरह से वॉश आउट होगा, आपकी टिश्यूज कितनी जल्दी दोबारा रिजुविनेट होके रेडी होंगे एक्सरसाइज करने के लिए विदाउट एनी एक्स एंड पेन्स। एक्सरसाइज एक और चीज करती है, स्टिफनेस इन द बॉडी। जब जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, वर्कआउट बढ़ाते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, तो आपकी बॉडी रोकने की कोशिश करती है बाय गेटिंग स्टिफ। दूसरी चीज आप देखेंगे कि बॉडी में स्टिफनेस के साथ साथ आपके एक्स एंड पेन्स काफी बढ़ने लग जाते हैं। ये एक्स एंड पेन्स भी स्टिफनेस के साथ साथ आपको दिखेंगे। ये सारी चीजें आपको आगे एक्सरसाइज करने में रोकती है। फाइनली अगर आप अपनी रिकवरी पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी इंजरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और काफी सारे लोग इंजरीज में प्रोन होते हैं। तो मैं आपको आज के पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या क्या चीजें करने से आपकी इंजरी खत्म हो सकती है, रिकवरी फास्टर हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला टॉपिक है कि आप रिप्लेस लॉस्ट फ्लूड। जब भी आप एक्सरसाइज करें उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 लीटर फ्लूड्स जरूर लें। 1 से 1.5 लीटर फ्लूड लेने की वजह से आपकी रिकवरी में काफी ज्यादा एनहांसमेंट मिलता है अगले 1 से 2 घंटे के अंदर। सेकेंड पॉइंट है आपका नरिशमेंट है, जो आप अपनी पोस्ट एक्सरसाइज नरिशमेंट लेते हैं उस पर ध्यान रखें कि आप इनफ प्रोटीन लें, उसमें इनफ फाइबर्स हों, ताकि आपकी बॉडी रिकवर जल्दी करे। अगर आपका नरिशमेंट ठीक नहीं होगा, आप काफी टाइम तक खाली पेट रहते हैं और आपका डिस्टेंस एक्सरसाइज और मील के बीच में बहुत ज्यादा है, तो आपका रिकवरी काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पोस्ट एक्सरसाइज लेने चाहिए ताकि आपकी रिकवरी होने लग जाए। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड रिलैक्स। अगर आपको एक्सरसाइज के बाद ऑफिस जाना है या आपको अपने नेचुरल रूटीन में इन्वॉल्व होना है, तो मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज के तुरंत बाद थोड़ा सा रेस्ट करें। अगर उस वक्त रेस्ट नहीं कर पाते तो दिन में कभी भी एक नैप लेना ना भूलें। नैप लेने से आपकी रिकवरी सबसे जल्दी फास्ट होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेच इट आउट। अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी है, फटीग है, तो प्लीज स्ट्रेच करना मत भूलें और या कूल डाउन करना ना भूलें। परफॉर्म एक्टिव रिकवरी। एक्टिव रिकवरी का मतलब होता है कि आप अपनी एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में आप अपनी मसल्स को ट्यून इन करते हैं, आप उनको कमांड देते हैं कि यू हैव टू स्टिमुलेट दीज मसल्स, तभी वो एक्टिव रिकवरी की तरफ जाती है, अदरवाइज वो रिकवरी कम होने लग जाती है। मसाज करने से आपके बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड और टाइटनेस कम होना चालू होती है। तो वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक और डिपेंडिंग ऑन योर वर्कआउट यू शुड गेट योर मसाज डन। टेक एन आइस बाथ। आइस बाथ बहुत सालों से हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में रहा है कि आइस बाथ लेने से आपकी काफी सारी रिकवरी बढ़ती है, बट रिसेंट स्टडीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज इन यूएस हैज शोन दैट आइस बाथ इनफैक्ट रिड्यूसेस योर रिकवरी। सो डोंट टेक आइस बाथ एनीमोर। आइस बाथ इज नॉट एडवाइस एज पर द न्यू रिसर्चेस। गेट अ बिट मोर स्लीप। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी आप कोशिश करें कि आप ज्यादा फटीग और टायर्ड हैं, तो आप एवरेज स्लीप को बढ़ाने की कोशिश करें। नैप ले सकते हैं एक्स्ट्रा, एज एक्स्ट्रा स्लीप जरूर लें, और रात को अगर आप जल्दी बेड पे जाके और अपनी स्लीप को आधा एक घंटा एक्सटेंड कर सकते हैं, तो प्लीज इंक्रीज योर स्लीप। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई विजुअलाइजिंग योर एक्सरसाइज। जब आप नेक्स्ट डे ट्रेनिंग पे जाते हैं, जब अपने सुबह के टाइम में या जब भी फ्री टाइम में अपनी एक्सरसाइज को विजुअलाइज करेंगे, ट्रेनिंग को विजुलाइज करेंगे, तो आपकी मसल मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, आपकी ट्रेनिंग की एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ेगी। अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि लोग जो साथ के साथ दिन एक्सरसाइज करते हैं, सुबह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, शाम को कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं, यू नो एक्स वाई जेड, तो प्लीज डोंट ओवर ट्रेन। ओवर ट्रेन करने वाले लोगों को कोई भी यू नो रिकवरी नहीं हेल्प कर सकती। आप अगर 7 दिन भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इंटेंसिटी उतना ही रखें जितना कि आपकी बॉडी झेल सकती है या आपको हेल्प कर सकती है। ओवर ट्रेनिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर इंजरीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाउ डिड यू लाइक माई संडे टॉक? Was a topic enough to cover the discussion? And please let me know in the comment section. Thank you.